हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज अनिल के शर्मा और आज हम यूनिक्स या लाइनेक्स में मोर कमांड का प्रैक्टिकल डेमो देखेंगे। बट उससे पहले आइए समझते हैं कि मोर कमांड का क्या यूज है। तो मोर कमांड जो है, मोर कमांड इज यूज टू व्यू द कंटेंट्स ऑफ ए फाइल ऑन द स्क्रीन एट ए टाइम इन केस द फाइल इज लार्ज। तो मोर कमांड का यूज करते हैं हम किसी भी फाइल के कंटेंट्स को देखने के लिए, कब? जब वो फाइल बहुत बड़ी हो। तो द मोर कमांड ऑल्सो अलाउस यूजर डू स्क्रॉल अप एंड डाउन थ्रू द पेजेस। तो मोर कमांड से हम पेज को स्क्रॉल अप भी कर सकते हैं, स्क्रॉल डाउन भी कर सकते हैं। मतलब कि एक फाइल है, बहुत बड़ी फाइल है, उसका जो कंटेंट्स है वो एक से ज्यादा पेजेस में आया है, तो हम जो है स्क्रॉल अप करके ऊपर वाले पेज पे चले जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करके नीचे वाले पेज पे आ जाएंगे। तो मोर कमांड अलाउ करता है आप किसी भी पेज को स्क्रॉल अप कर सकते हो, स्क्रॉल डाउन कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है मोर कमांड के साथ जो है कुछ कमांड्स एसोसिएटेड है, जैसे कि जब आप मोर कमांड को यूज करते हैं तो वहां पर जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये क्या करेगा, इट इज यूज टू स्क्रॉल डाउन द पेज लाइन बाय लाइन। तो ये क्या करेगा, जब मोर कमांड को यूज करके एंटर प्रेस करेंगे तो जो है स्क्रॉल डाउन करेगा पेज के, यानी कि पेज के निचले वाले पेज पे आ जाएगा और लाइन बाय लाइन आएगा। ये नहीं कि एक पेज के बाद एंटर मारते ही सीधे दूसरे पेज पे आ जाएगा, नहीं, लाइन बाय लाइन। एक पेज के ऊपर जितना भी कंटेंट लिखा हुआ है, एक लाइन को स्किप करेगा, एंटर मारेंगे दूसरे लाइन को स्किप करेगा, तीसरे, चौथे, तो लाइन बाय लाइन जो है पेज का मतलब निचले वाले पेज में स्क्रॉलिंग हो जाएगी, मतलब स्क्रॉल डाउन द पेज हो जाएगा। इसके बाद जो है मोर कमांड के साथ जब हम स्पेस को एंटर करेंगे तो ये क्या करेगा, इट इज यूज टू गोइंग टू द नेक्स्ट पेज ऑफ द आउटपुट। तो ये नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा। मोर कमांड के साथ जब हम बी की को एंटर करेंगे, यानी कि सिंपली बी को प्रेस करेंगे, तो ये क्या करेगा, इट इज यूज टू गोइंग टू द बैकवर्ड पेज ऑफ द आउटपुट। जहां पे आप हो उसके बैकवर्ड पेज पे चला जाएगा। और एंटर क्यू करेंगे तो मोर कमांड से आप बाहर आ जाओगे, टू क्विट द स्क्रीन, यानी कि मोर कमांड से आप बाहर आ जाओगे। तो बेसिकली ये सारा था मोर कमांड के बारे में। बट प्रैक्टिकली इसको किस कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, तो वही यूनिक्स या लाइनेक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे हम, और वहां पे मोर, MORE, मोर ये कमांड का नाम है, इसको टाइप करेंगे और /etc/password ये फाइल का नाम है। हमने यहाँ पे वो फाइल ली है जो फाइल बहुत बड़ी है, जिसका कंटेंट्स एक से ज्यादा पेजेस में आ सकता है, वो फाइल ली है। तो उस फाइल का नाम है /etc/password। तो इसको टाइप करके जब हम एंटर प्रेस करेंगे तो इस /etc/password में जितने भी कंटेंट्स होंगे वो एक से ज्यादा पेजेस में आ जाएगा, और उसके बाद जब हम एंटर प्रेस करेंगे तो लाइन बाय लाइन नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे, स्पेस प्रेस करेंगे तो हम नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे डायरेक्ट, और बी प्रेस करेंगे तो जहां पे है हम उसके बैकवर्ड वाले पेज पे आ जाएंगे, और क्यू प्रेस करेंगे तो मोर कमांड से ही बाहर आ जाएंगे। और इसी तरीके से यहाँ पे मैंने मोर कमांड के साथ एक दूसरी फाइल ली है, ये भी फाइल बहुत बड़ी है, SQLNet.log, ये फाइल भी बहुत बड़ी है। तो इस तरीके से जब कोई बड़ी फाइल हो जिसका कंटेंट बहुत ज्यादा हो, तो उस फाइल का जो है अगर हमें नेक्स्ट पेज पे जाना है, पिछले पेज पे आना है, लाइन बाय लाइन आगे चेक करना है, तो वो सब चीजें जो है हम मोर कमांड को यूज करके कर सकते हैं। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल डेमो करके देखते हैं। तो ये हमारा लाइनेक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है और रेड हैट एंटरप्राइज लाइनेक्स 6 का ये वर्जन है।
तो यहाँ पे जो है हम मोर कमांड का प्रैक्टिकल डेमो देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे MORE मोर, और हमारे पास स्लैश ETC स्लैश पासवर्ड, ये फाइल है, इसको एंटर प्रेस करेंगे। तो ये जो है स्लैश ETC स्लैश पासवर्ड में जितना भी था कंटेंट वो सारे पेज वाइज यहाँ पे शो कर रहा है, और हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो लाइन वाइज लाइन दिखा रहा है ये, ठीक है। स्पेस करेंगे तो ये नेक्स्ट पेज पे ले लेगा, और बी प्रेस करेंगे तो वापस आ जाएंगे, और क्यू प्रेस करेंगे तो हम इससे बाहर आ जाएंगे। तो मैंने क्यू प्रेस कर दिया तो ये हम बाहर आ गए। तो इसको क्लियर कर लेते हैं, पहले तो ये मैंने क्लियर कर दिया। इसके बाद हमारे पास एक और फाइल है, SQLNet.log नाम की फाइल है, वो भी बहुत बड़ी फाइल है, तो उसको भी अगर हमें चेक करना है तो मोर SQLNET.log, और ये मैंने एंटर प्रेस कर दिया। तो ये उस फाइल के अंदर जितना भी कंटेंट्स है वो सारे एक से ज़्यादा पेज पे आ गए। एंटर प्रेस करूँगा तो लाइन बाय लाइन आगे जाएगा, और स्पेस करूँगा तो पिछले पेज पे आ जाएंगे। बी को प्रेस करूँगा, नहीं नेक्स्ट पेज पे, स्पेस को एंटर करेंगे तो नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे, बी को प्रेस करेंगे तो पीछे वाले पेज पे आ जाएंगे, और क्यू को प्रेस करेंगे तो मोर कमांड से बाहर आ जाएंगे। तो ये था मोर कमांड का प्रैक्टिकल डेमो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।